श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धाचार्य विभाग योग। अर्जुन थो चवे तो हे श्री कृष्ण भगवान, जो शास्त्र विधि के छे रुगो श्रद्धा से पूजा वगैरह कन था, उन्होंने कड़ी गति थे थी, सातो की राजेसी या तामसी। श्री कृष्ण भगवान चवन लगो तो हे अर्जुन, पूजा करने की विधि तीन प्रकार की है, सातो के राजसी तामसी सातों बुद्ध। हे अर्जुन, जेका सातो की आहे उन्हें जो निश्चय बुद्ध, वो एकड़ो ही ईश्वर स्वरूप व्यापी जानन था, सब सा निम्रता भाव रखे हलन था, सब में मुख्य ही समझन था, वो सातो के पुरुष आहन। हाँ, उन्होंने पर कोसी बुद्ध देवतान की पूजा में तन की श्रद्धा लगी रही है, हाँ राजसी प्रकृति बुद्ध बर्छन में राक्षसी पूजा में उन्होंने जो मन लगो रो है, हाँ तामसी प्रकृति बुद्ध भूत प्रीत गुण अत्यादि अत्यादि जी तामसी जोड़ियों तीन में उन्होंने जो मन लगो रो है, जो उन्हीं प्रकार की तपस्या कंदा आन दैतन की तपस्या कंदा आन या शास्त्र में चयल ही कान कड़ी तपस्या था कन जैसे दिसण में उल्टो डप थे तो मानू जी देखारण लाए था कन तो मानू दिसी ये चवन तो ही डाढ़ो तपस्वी है, मन में जिन जी कामना है जे तप करे शरीर के कष्ट थे तो मां जो उन्हन जो देह में आत्मा राम आया सो मुखे दुख साड़ियन। अड़ा अज्ञानी अंधमत आहिन जेके उन नमूने की तपस्या कन था, उनके तू दैत तप करे जान वे सब दैतन जा तप आहिन। हाने अर्जुन खादे जा किस्म बुद्ध, खादा भी टिन प्रकार जा आहिन, तपस्या भी टिन प्रकार जी आहे। अवल सातो की खादो बुद्ध, जने खादो खान करे उम्र वड़ी थिए थी सो उम्र के वधान जो का खादो अमृत आहे वो देवतान के मिलियो आहे, जैसे खादो खान करे देवता अमर से आहिन। हाँ मनुष्य जो खादो बुद्ध, जैसे खान करे देह में बल थिए बीमारी भी थिए, जैसे खान करे मन में प्रीत थिए चंगो खादो खाजे स्वाद सा दाल चावर गडे रोटी गे सा मक्खी खाजे वो सातो के खादो आहे, वो सातो के खादो मानु के प्यारो आहे। हाने राजसी खादो बुद्ध, तमाम गरम खादो जे खाण करे वात सड़े बीमारी वदे जे खाण करे नुकसान थिए वो खादो राजसी मानु के प्यारो आहे। हाने तामसी खादो बुद्ध, रात जे पारोसी रोटी जे में स्वाद बन्ना होजे कें जो जूठो होजे वो खादो तामसी मानु के प्यारो आहे। जेके तामसी आहिन उनन जा यज्ञ बुद्ध, अवल सातो की यज्ञ बुद्ध, जै यज्ञ में फल की कामना नथा रखन मानुन जे सुख लाय कन था, शास्त्र की विधि अनुसार कन था, यज्ञ कंदड़ चवे तो मुख्य यज्ञ जरूर करण घुर्जे, उन रीत जेके यज्ञ करे तो वो सातो की यज्ञ है। राजेश यज्ञ बुद्ध, जै यज्ञ में फल की कामना कान है, फकत मानुन जे देखाण लाय नामोस ला कन था, अड़न यज्ञ के हे अर्जुन राजेश यज्ञ समझ। हाँ तामसी यज्ञ बुद्ध, जै यज्ञ में शास्त्र की विधि न आए, मन में पवित्र न हो, वेद जो मंत्र पर न पढ़े, साधु ब्राह्मण के यज्ञ का दक्षिणा भी न मिले, यज्ञ करण वाले जी मर्द ही न हो, अड़े यज्ञ के तामसी समझ। हाँ टिन प्रकार तप बुद्ध, उन टिन प्रकार मानू टिन प्रकार मां एकड़ो त देह करे बो मन करे टियों वचन करे। अवल देह जो तप बुद्ध, जिते भी को नंढो जीव होजे उनके दिसी पैर रखे के जीव के दुख न पहुंचे, वह पैरन की तपस्या है, हथन से वण टण हलदड़ जीव के दुख न दे वह असन की तपस्या है, देह के पानी मिट्टी से पवित्र रखे डंदन करण स्नान करण मुंह धोई तिलक दई साल सालग्राम की पूजा करे, जेको बुधवान ज्ञानी है उनकी सेवा करे ब्रह्मचार्य न रखे ब्रह्मचार्य है सो बुद्ध। हे अर्जुन, जो गृहस्थी हुए तो पराई स्त्री के हथ न लाए, जे वरकत विरागी हुए तो स्त्री जो नालो भी न वे उनको ख्याल भी न करे,
वो ब्रह्मचार्य है। माओ पी की शेवा करे अड़े रीत शरीर जो तप करण जरूरी है। हाँ वचन जो तप बुद अवल दस ताई सच गाल जै सच गाल के बुधण वाला खुश थियन मधुर आई धीरे गाल कें सद करे तो हे करे सद करे ओ भाई ओ संत ओ भगत ओ प्रभुजा प्यारा मतलब अड़े नमूने गाल गाल बुधण वो खुश थिए अड़े गाल को सरे तो मुख्य चवे जी चवे उन्हीं के वचन की तपस्या चाहबी है बया वचन जहा तप बुद सद्या गायत्री पढ़े या वेदन जहा पाठ करे या पुराणन सा अस्तोतर पढ़े किथा जा मुझे अवतार जी लीला है वह पढ़े कीर्तन करे वशन पद गाए उहे भी वचन जो तप है। मन जा तप बुद मन के प्रसन्न रखे मन की प्रीत मुँह में लगाए मन के शुद्ध करे मन मुँह में श्रद्धा रखे मुँह में मन अर्पण करे हाँ विश्वास जो तप बुद हर हर मुझे श्रमण करे हरि राम हरि कृष्णा हरि गोविंद परमात्मा परमेश्वर नारायण नरंजन अपनासी भगत विचर हरि ओम राधा कृष्ण अलख होया परच वसुंबर जगदीश सर्वव्यापी अंतर्यामी बेन नारायण जो जाप करण वो स्वास जो तप है। तपसा के टिन प्रकार जहाँ वेद बुद ये जो देह मन वचन विश्वास जहाँ तप मुझे से जेके श्रद्धा से कंदा वे कुछ अच्छे मुख्य मिलदा प्रेम से तपस्या करे फल न घुरे वो तपस्या मुख्य अर्पण करे वो सातों की तप आए नामो के लिए तप करे पंजी पूजा कराए वो पाखंड पाखंडी राजेश तप आए फल जे कर तप करे जै तप करे पान के कष्ट में विजे कें बुरे करण ला तप करे वो तामसी तप आए। हे अर्जुन हाँ टिन प्रकार जहाँ दान बुध सातोकी दान ही दान मुख्य करणो आए तो की करे उत्तम ग्रस्थी ब्राह्मण का दान दे जैखा संसार में जो कुछ भी न थिए करे कर्म करण वाले ब्राह्मण के दान दे जमीन भी पवित्र हुए गौ की छीणी से लिपो पाए सामान भी सुठो हो प्रभात काल जो समो हो पान भी स्नान करे पवित्र थिए ब्राह्मण भी पवित्र पूरन कर्मी हुए उन रीत जो दान करे तो वो सातो की दान है। हाँ राजेश दान बुध वो ब्राह्मण के दान दई जैंखो को उपकार थिए दान दई फल की कामना करे वो राजेश दान है। हाँ तामसी दान बुध जमीन भी औषध हो सामान भी औषध हो पान भी रोटी खाए पो दान करे ब्राह्मण भी कर्मी हो या कें घट दात या मिलेच के दान दे या क्रोध में गारियों दे दान दे वो तामसी दान है। हे अर्जुन ओम सत्सत वो टिन प्रकार जो नालो ब्रह्म जो जैल है वो कड़ो है जैसे रज गुण में संसार जो उत्पत्त करण वालों ब्रह्मा पैदा थो जैसे सातोकी गुण में संसार के पालना करण वालों विष्णु पैदा थो जैसे तमें गुण में संसार के नाश करण वालों महादेव पैदा थो। हाँ यज्ञ दान तप जो फल बुध जेके पुरुष उन्हें जो फल ना घुरन फकत मुक्ति की कामना अथन वो मुक्ति के पाइंदा जेके पुरुष कामना ला कर्म कन था वो कामना के पाइंदा। हे अर्जुन मुझी गाल बुध मुझा भगत प्रेम से मुख्य फल गुल शिवदा से अर्पण कन था वे माँ उन वा तो कड़े रीत छो बुध अवल तो मुख्य सत्य जाने चवे तो जेके मुँह में वेद जेके मां परमेश्वर के अर्पण करा तो सो हे परमेश्वर मुझे अंगीकार कर मां पान के ही समझी त मां परमेश्वर जो भगत आया पान में मुँह में वेद न जाने ये चवे तो मां है मन वचन कर्म करे भगवान जो दास आया मुझे दास थी जो को मुझे श्रद्धा से अर्पण करे तो सो मां अंगीकार करा तो अड़े रीत भगत जो दिनल दान मां वठा तो। हे अर्जुन जैसी श्रद्धा कान है सो जैसे कुछ घनी अग्नि में होम करे या दान करे या तप करे या सत्कर्म करे तो अंगीकार न तो करा बिना श्रद्धा से जो जैसे पत्थर की मूर्ति के निमत करे तो वो भी अंगीकार न था कन श्रद्धा आई प्रीत खां सवाय कुछ दान दिनल कंखे तो मिले सो बुध वो फल भूत प्रीत जे देहदारी पान के ही भोगण पवो है मुख्य प्राप्त न थो है यानि मां उन ग्रहण के मां उन के ग्रहण न कंदो आया वह गाल तू पक कर जान। इत श्रीमद भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन स्वाम
स्वावंती शिद्धा त्रया वबाग योग नाले सत्रों अध्याय समाप्त से हो। तात्परच अध्याय जो मकसद मन वाणी कर्म सा कंखे न डुखो जे फल जी आशा छड़े पवित्र स्थान शुभ वक्त आई घर जाओ सुलछण मानू के दान देन गुरजे श्रद्धा सा देन दान पवित्र आहे। ओम तत्सत मुख्य मंत्र आहे हमेशा सत्कर्म करन गुरजे। 17 अध्याय जो महात्म श्री नारायण चवे तो हे लक्ष्मी मंडलीक नगर में दुशासन नाले राजा हो ते बे राजा शिया वह शर्त रखी त जें जो हाथी खटे वो सो उहो धन खणी बे राजा वह शर्त खटी केतरन दिन खां पो दुशासन जो हाथी मरी वो जें जो राजा के ॾाढो दुख थियो चवन लगो त एक धन वो बो हाथी मरी वो ट्यों शहर में बगिला थी उन दुख में नेठ राजा मरी वो यमदूत धर्मराय वट वठी वेस धर्मराय हुकुम दिनों ते ही हाथी के दुख में मोह आए तें करे इनके हाथी जो जन्म दियो पोए राजा संगद्वीप में वही हाथी थियो आइन अगले जन्म जी खबर हुई उन ख्याल में हो न खाए न पिए फकत राजो रोज पे रोए एतरे में साधु आयो जें उते जे राजा के शास्त्र जो श्लोक बुधायऊं जो बुधी राजा ॾाढो प्रसन्न थियो आए साधु के चवन लगो त कुछ घुर साधु चयो ही हाथी जी घुर्ज आए राजा वो हाथी खणी साधु के दिनों साधु हाथी के पंजे जाय से वठी आयो उनकी अग्या खाधो रखें पर हाथी न खाए न पिए रुगो रोए पियो वो साधु राजा के चयो तो हाथी तो कुछ खाए पिए पर न थो रुगो रोए पियो राजा वह गाल बुधी शहर पहलवान के आणा इन हाथी लाए पुछो जिन चयो तो हे राजा इनके को भी धक लगल कोने इनके तो को पेंजे मन जो रोग लगल है तने राजा हाथी के चयो तो हे हाथी तो गालाओ तो के कड़ दुख है पो प्रभु जी दया सा हाथी मनुष्य की बोली में गालायो तो राजा साधु जे घर जो अन उन साधु जे घर जो अन वो खाए जो धर्मात्मा हो जे मा त मा पापी आया उने करे हन जो हन जे घर जो अन खाण मुखे योग्य न आहे तरे साधु चे तो हे राजा तो ही हाथी पंज मोटाए वठ राजा वरंदी दिनी त हाथी दान करे मोटाए कोन वठनस ही हाथी तू वठी वन तरे हाथी चयो तो हे संत तू कल्पना न कर तुझे घर में जगने का गीता जी पोथी आहे तो मुखे हन जे 17 अध्याय जो पाठ बुधाओ साधु यही कयो 17 अध्याय जो पाठ बुधन शर्त हाथी जे दे छुटी आकाश में विमान आया जें ते चढ़ी राजा जे अग्या जस्ती कई जे तो तवा साधु जी कृपा सा गीता जे 17 अध्याय बुधन सा मुझी मुक्ति थी आहे। इस श्रीमद भगवंत गीता जे 17 अध्याय जो महात्म समाप्त थियो। हे प्यारो रोजाना गीता जो पाठ प्रेम से कर तब मन के शांति इंदी ए मोक्ष जा द्वार खुले पवंदा। हे प्यारा रोजाना गीता जो पाठ प्रेम से कर तब मन के शांति इंदी ए मोक्ष जा द्वार खुले पवंदा। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।